class. Next question is, why should we conserve biodiversity? Why should we conserve biodiversity? Answer is, biodiversity refers to a number of variety of various life forms such as plants, animals and microorganisms in an area. Plants and animals depend on each other for survival. This means that the destruction of either of them will affect the life of the other. Hence, we need to conserve biodiversity to maintain the balance of nature. Is it clear? हमें biodiversity को क्यों protect करके रखना चाहिए? अपने nature के balance को बचाने के लिए. Because जो plants और animals हैं, वो ultimately एक दूसरे पर depend करते हैं. Next है question आपका. Protected forests are also not completely safe for wild animals. Why? जो ये protected forest है वो भी safe नहीं है animals के लिए पूरी तरह से. ऐसा क्यों है? Protected areas are not completely safe for wild animals because people who live near or adjacent to forest use resources from forest to fulfill their own requirements. क्योंकि जो आसपास रहते हैं लोग फॉरेस्ट के, वो क्या करना चाहते हैं? वो अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड एंड सोल्ड फॉर ल्यूक्रेटिव अमाउंट्स ऑफ मनी. पैसा कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स को मार के बेच देते हैं. ठीक है, जो भी उनके यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद थर्ड इज, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल. हाउ? कुछ ट्राइबल्स जंगल्स पर डिपेंड होते हैं. किस तरह से, वो हमें एक्सप्लेन करना है. सम ट्राइबल्स आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एज दे प्रोवाइड देम शेल्टर एंड फूड. क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर और फूड. दे ऑल्सो कलेक्ट वुड एंड हर्ब्स फ्रॉम फॉरेस्ट. वो वुड और हर्ब्स भी कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से. आप 2 मिनट के लिए इसकी रीडिंग लो. बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट ए बी और सी की, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. क्लास ए बी और सी की एक बार रीडिंग लो फटाफट से. नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या होते हैं? फर्स्ट इज, फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर अकोमोडेटिंग एक्सपेंडिंग अर्बन एरियाज एंड फॉर फुलफिलिंग देयर एवर इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स. फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू क्लियर लैंड फॉर क्रॉप्स एंड कैटल ग्रेजिंग. ट्रीज आर कट डाउन टू बी यूज्ड फॉर फायरवुड. ये हो गए डीफॉरेस्टेशन के कॉजेज. उसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस. पेड़ काटने की वजह से क्या क्या हमें नुकसान झेलने पड़ सकते हैं? फर्स्ट इज सोइल इरोजन, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देन इज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, क्लाइमेटिक चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल. क्लियर? नेक्स्ट इज रेड, व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक दैट मेंटेन्स एंड नेशनल लिस्ट ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज. ये एक ऐसी बुक है जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज है उसके बारे में लिखा जाता है. ठीक है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है. सोर्स बुक है ये एक तरह से. उसके बाद आता है माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब आप सबको पता है, जब एनिमल सॉरी जब आपके बर्ड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ के वेदर कंडीशन सूट नहीं करते. ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ
natural habitat to another place at a particular time every year. Next is, in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being normally continually cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. तो इसमें एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें ये लिखा है कि ट्रीज को कट करना इज जस्टिफाइड और नॉट. ऑब्वियसली ट्रीज को कट करना इज नॉट जस्टिफाइड. यू ऑल नो कि हमें कितना नुकसान पहुंचता है अगर हम ट्रीज को कट करते हैं. तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल कि हम अपने डिमांड्स को मीट करने के लिए ट्रीज को कट करें, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है. ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा, जिससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर की हीटिंग होगी. फॉरेस्ट क्या करते हैं, सोइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, और जितने भी नेचुरल कैलमिटीज़ हैं लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, इन सबको प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, और जो अगर पेड़ों को काटा जाता है अपनी डिमांड्स मीट करने के लिए, तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो अल्टीमेटली द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड. ठीक है, वही है डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द आइडिया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. Contribute to the maintenance of green wealth of your locality. Make a list of actions to be taken by you. What can be the actions that you can take? That is, I can help in maintaining the green wealth of my locality by taking care of the plants and trees growing in or around my locality. हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आसपास जो plants और ट्रीज ग्रो हो रहे हैं उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको रेगुलरली वाटर कर सकते हैं, लोगों को अपनी लोकेलिटी में क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप लोग और पेड़ लगाइए और प्लांट्स लगाइए. ठीक है, और उनको उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं कि अगर हम ट्रीज लगाएंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे. ठीक है, वी कैन मेक यंग चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स जो डिफॉरेस्टेशन के एनवायरमेंट पे इफेक्ट है, हम छोटे बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं. ठीक है, और उनको प्लांट्स को वाटर करने के लिए भी बोल सकते हैं. तो ये सारे एक्शंस हैं दैट वन कैन टेक टू मेंटेन द ग्रीन हेल्थ ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल. डिफॉरेस्टेशन के कारण रेनफॉल में किस तरह से कमी आ सकती है, ये एक्सप्लेन करना है हमें. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, बेसिकली रिमूवल ऑफ ट्रीज है. ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में से. अगर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा, CO2 का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण CO2 की हमारे एटमॉस्फेयर में हाई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर CO2 बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी, ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेगी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगी. ठीक है, ये जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो जो भी वाटर साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देगा. इस डिस्ट्रप्शन के कारण रेनफॉल पैटर्न पे भी इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, द रिड्यूस अमाउंट ऑफ रेन वाटर कैन कॉज ड्रॉट्स, और इसके कारण क्या आ सकती है, सूखा पड़ सकता है. ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ना. So what is the next question? Find out about national parks in your state. Identify and show the location on the outline map of India. Next is, why should paper be saved? Prepare a list of ways by which you can save paper. Paper को क्यों बचा के रखना चाहिए? ठीक है, और उसके बाद एक लिस्ट बनानी है कि आप पेपर को किस तरह से सेव कर सकते हो. ऑब्वियसली ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हर एक पर्सन एक पेपर डेली का सेव करेगा तो आप साल में बहुत सारे पेड़ बचा सकते हो. ठीक है, पेपर को
फ्लो बचा के रखना चाहिए क्योंकि 17 फुली ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर. 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ट्रीज क्या करते हैं, नेचर को बैलेंस, नेचर में एक बैलेंस बना कर रखते हैं. इसलिए ट्रीज को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर को सेव करके रखना चाहिए ताकि ज़्यादा पेड़ ना कटे. ठीक है, हम पेपर को किस तरह से सेव कर सकते हैं, जितना भी यूज पेपर है उसको कलेक्ट करें और उसको रिसाइकिल करें, दोनों साइड्स को यूज करें पेपर के राइट करने के लिए. ठीक है, और इसकी जागरूकता फैलाएं और पेपर को इंटेलिजेंटली यूज करें. उसके बाद है कंप्लीट द वर्ड पजल. स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन क्लास, बताइए ऐसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पर हैं, यानी खत्म हो सकते हैं, उन स्पीसीज को क्या बोला जाता है, एंडेंजर्ड. इज इट क्लियर, एंडेंजर्ड स्पीसीज. नेक्स्ट इज बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में कौन सी बुक इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी बुक में, दैट इज रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक. देन कम्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. मैनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर देयर, बट यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू दिस फिफ्थ जो आपकी बुक में दे रखा है. आंसर है ड्रॉट्स. उसके बाद आता है स्पीसीज विच हैव वैनिश्ड. उन स्पीसीज को क्या कहा जाता है जो खत्म हो चुके हैं, दैट आर एक्सटिंक्ट. नेक्स्ट, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड एंडेमिक. एंडेमिक, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आएगा थर्ड में, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, इस तरह से. नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया इज बायोडाइवर्सिटी. इज इट क्लियर. तो क्लास यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी. कीवर्ड्स हम कल डिस्कस करेंगे, देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. ओके, तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को एक बार पढ़ लेना, समझ लेना. ठीक है, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग अपना चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो. ठीक है, ओके, थैंक यू.